अरे वाह यार, क्या लड़की है, क्या फिगर है। अरे यार, ये फिगर भी कोई फिगर है? वो देख क्या फिगर है, फिगर तो उसे कहते हैं। यार उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन लगती ऐसे है जैसे स्वीट 16। आजकल की लड़कियां तो ऐसी हो गई हैं जिन्हें देखने का मन भी नहीं करता। अरे चल यार छोड़। चल नहीं, ये तो बकवास लड़की है। हाय, आई एम माया। हाय, आई एम लक्ष्मी। क्या बात है, आज कुछ परेशान लग रही हो? कुछ नहीं, वैसे कुछ पैसों की जरूरत थी। कितने पैसे चाहिए? वो लड़के जो कमेंट कर रहे थे, मैंने सुने, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जाने दीजिए, मैं ऐसी बात को नजरअंदाज कर देती हूँ। कब तक अपने आप को नजरअंदाज करोगी? खूबसूरत हो यार, जवान हो, अपने आप पे ध्यान दो तो हर लड़का तुम्हारी तारीफ करेगा। मुझे देखो, मैं चार बच्चों की माँ हूँ, लेकिन आज भी लोग मुझे कुंवारी समझते हैं। आप चार बच्चों की माँ हैं? हाँ, लगती नहीं हूँ ना, क्योंकि मैं अपने आप को मेंटेन करती हूँ। अरे यार, तुम भी अपने आप को मेंटेन रखो, नहीं तो वक्त से पहले ही बूढ़ी हो जाओगी। जी, मैं आज ही जिम ज्वाइन करती हूँ। जिम से कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसे लोगों से मिलो जो तुम्हें ये सिखाएंगे कि सोसाइटी में कैसे रहा जाता है। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। ओके, ये लो 7,000 रुपए, अभी मेरे पास इतने ही हैं, बाकी के और कल दे दूंगा। थैंक्स यार, वैसे मैंने अपने करोड़ों रुपए ब्याज पर दिए थे, अगर उनका ब्याज टाइम पर आ जाता तो शायद मैं तुमसे पैसे नहीं लेती। एनीवे, थैंक यू। ये लो 1,000 रुपए। थैंक यू मैडम, आज पहली बार किसी लड़की को गंदे कमेंट्स के लिए 1,000 रुपए मिले हैं, वरना लड़कियों द्वारा तो लात और घूसों की बरसात होती है। ऐसे ही काम करते रहोगे ना तो और भी मिलेगा। ये ले भाई, चल। हाय बॉबी। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ये लो 25,000 रुपए। बस इतने ही? पर मुझे तो 1,00,000 रुपए चाहिए थे यार। 1,00,000? हाँ, तो क्या है कि मैंने ना एक गोल्ड का सेट देखा है। okay. और मुझे वो खरीदना है। मैं चाहती हूँ कि वो तुम खुद मुझे अपने हाथों से पहनाओ। अरे पहनना क्या होता है, मैं अपने हाथों से खरीद कर पहनाऊंगा ना तुम्हें। सच? हाँ। वाओ, आई लव यू। मैं अभी आई। ओके। हाँ बोल माया। हेलो मैडम, अन्ना की बेटी लक्ष्मी का फोन आया था, वो अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँच रही है। ठीक है। सॉरी यार, अभी अभी मेरी सबसे अच्छी सहेली की डेथ हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। ओके, तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं यार, तुम साथ होगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, कहेंगे कि मैयत में भी अपने आशिक को साथ लेकर आई है। ठीक है, तुम जैसे ही फ्री होती हो मुझे कॉल करो। ओके ओके, बाय बाय। अच्छा हुआ तुमने सही टाइम पे फोन किया, वरना सब गड़बड़ हो जाती। तुमने लक्ष्मी को सब समझा दिया ना? जी हाँ, जैसा आपने मुझे समझाया था वैसा मैंने उसे समझा दिया। बाकी सब मैं संभाल लूंगी।
इसमें थैंक्स की क्या बात है? मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं तुम्हें बिल्कुल अपने जैसा बनाऊंगी। अच्छा ठीक है लोग तुम्हें देखकर फिदा होते, लेकिन इसमें तुम्हारा हार्ड वर्क और मेरा सजेशन है। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं चाहिए। यू एंजॉय योर लाइफ। ओके थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस जी, मैं लक्ष्मी। कौन लक्ष्मी जी? वो माया जी ने बताया होगा आपको। ओह यस 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 यस, माया ने बताया था मुझे तुम्हारे बारे में। तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आई हो। अब मैं तुमको ऐसा बना दूंगी कि सारी दुनिया तुमको बस देखती रह जाएगी। आप फीस कितनी लोगे? मैं कोई फीस वीस नहीं लेती, ये समझ लो ये मेरा शौक है। तुम तो बस अपने बारे में मुझे सब कुछ सच सच बता दो। जी वो बात ऐसी है जी, मेरी तरफ कोई लड़का देखता ही नहीं है, जबकि मेरी सहेलियों के तो चार चार बॉयफ्रेंड है और मेरा तो एक भी नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हें अपने चलने का अंदाज बदलना पड़ेगा और बोलने का स्टाइल बदलना पड़ेगा, और फिर उसके बाद Hi. How are you? I'm fine, I'm fine. Actually, Dad, out of station गए थे इसलिए आ नहीं पाया। अभी थोड़ी देर में आता हूँ मैं। मुझे पता था, मेरा काम किए बगैर तुम बिल्कुल नहीं आओगे। हाँ, आपका काम हो गया है समझो, बस मैं पैसे लेकर आ ही रहा हूँ आपके घर पे। वाओ, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। और हाँ, आने से पहले मुझे फोन जरूर करना। ओके, ओके, बाय, बाय। दोस्त आ रहा है जतिन, वैसे वो लड़कियों में बहुत सारे नुक्स निकालता है, लेकिन तुम उसे इंप्रेस कर पाई तो मैं समझूंगी कि मैंने तुम्हें जो भी सिखाया है वो सही है या गलत। डैड, मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। हाँ, कुछ कम हो तो सेक्रेटरी सिंह साहब से ले लेना। ओके डैड, थैंक यू डैड। हाय, मैं पैसे लेकर निकल रहा हूँ घर से। ओ वाओ, आते वक्त अपना फोन स्विच ऑफ करते हुए आना। लेकिन फोन क्यों बंद करना है? वो मैं जब तुम आओगे तब बताऊंगी। ओके ओके ओके, आई एम कमिंग। सुनो, मैं एक फोन करके अभी आती हूँ। जी मैम।
ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, तुझे सच का आईना दिखा रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले तेरा बेटा तुझसे 25,000 रुपए लेके गया था, वो पैसा उसने मुझ पे उड़ाया। डैड मुझे 25,000 रुपए चाहिए थे। ओके, सेक्रेटरी से जाके ले लो। और आज भी वो जो 1,00,000 रुपए लेकर आ रहा है मुझ पर निछावर करने के लिए। याद है तुझे, एक बार मैंने तुझसे 20,000 रुपए मांगे थे जो तूने बड़े प्यार से टाल दिए। आज मैंने पूरा पैसा ब्याज समेत वसूल कर लिया। जतिन ने क्यों फोन बंद कर रखा? बॉबी जी। अरे हाय जतिन। हाय। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। आ इनसे मिलो, ये मेरी फ्रेंड लक्ष्मी। हाय लक्ष्मी, तुम इसे जरा बात करो, मैं अभी आती हूँ। जी ओके। सुनो, सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक हो रहा है। कमरे में सारी तैयारी हो गई? जी मैडम। ठीक है, तुम जाओ और लक्ष्मी को अंदर लेकर आओ। आपको पहले भी कहीं देखा है? देखा होगा। वैसे आप करते क्या हैं? कुछ भी नहीं। लक्ष्मी जी, मैडम ने आपको अंदर बुलाया है। ओके। मैडम कितनी अदाएं सिखाई तुम्हें, पर तू एक लड़के को भी इंप्रेस नहीं कर पाई। मेरा सारा सिखाना बेकार हो गया। कुछ नहीं होने वाला तेरा, सारी जिंदगी बहन जी बनकर जीने वाली है तू। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि मैंने किसी को इतना सिखाया लेकिन मेरी सारी मेहनत फेल हो गई है। रिलैक्स मैम, रिलैक्स। आपको शर्म आ रही है? मैम जूस इसको पिलाओ, इसको ठंडा करो। जी मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है कोशिश करती रहे। चलो लड़की है, तुम्हें देखते ही तुम पे फिदा हो गई है। ऐसा करो अंदर जाओ और उसको समझाओ। और सुनो, वो 1,00,000 रुपए लाए हो ना? हाँ 1,00,000 रुपए। वो दो, मैं नेकलेस लेके आती हूँ। सुनो मैं 2 घंटे में आऊंगी, जब तक तुम उसे अच्छे से समझा देना। बॉबी सुनो, काम हो जाए तो मुझे फोन कर देना। जी मैम। Excuse me. हेलो मैम, उठिए। हेलो मैम, काम हो गया। गुड। अब सुनो, दोनों को घर से बाहर भेज दो। जी मैम। Thank you.
मेरी बेटी का एवरेस्ट किसने बनाया है? ये मेरे बेटे का एमएमएस? हेलो हेलो, अपनी बेटी का एमएमएस देखा? किसने बनाया मेरे बेटे का एमएमएस? मैंने बनाया। कमरे में सारी तैयारी हो गई? हाँ मैम, एक वहाँ पे लगाया और दूसरा वहाँ लगा दिया। अब इस कमरे में जो कुछ भी होगा ना, इन कैमरों में कैद हो जाएगा। ठीक है। तूने मेरी बेटी का एमएमएस बना के अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती किया रे। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, तेरे को नहीं छोड़ेगा मैं जिंदा। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। कुछ नहीं कर पाएगा तू, क्योंकि तुम्हारी सबसे कमजोर नस मेरे हाथ में। क्या मुंह दिखाएगा अब तू समाज में, और क्या मुंह दिखाएगी तेरी बेटी? उसकी तो अभी शादी भी नहीं होगी, जीते जी मर जाएगी वो तो। बकवास बंद कर अपनी। बकवास नहीं है रे, हकीकत है। जिस बेटे के ऊपर तुझे इतना घमंड है, आज उसी बेटे की वजह से सारी जिंदगी तेरा सिर शर्म से झुका रहेगा। क्या चाहती हो तुम? 1 करोड़ रुपए। क्या? 1 करोड़ रुपए? हाँ, सिर्फ 1 करोड़ रुपए। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। ठीक है, मुझे मंजूर है, तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। देखो अभी इस वक्त इतना पैसा मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा तुमको 1 करोड़? मुझे थोड़ा टाइम दे दो प्लीज। चल, तुझे मैंने 24 घंटे दे दिए, अपनी घड़ी मिला ले, क्योंकि तेरे पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है।